दोस्तों अंतिम ओवर में लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर रिंकू सिंह ने जिताया हारा हुआ मैच, तो खुशी से झूम उठे कोलकाता की टीम के मालिक शाहरुख खान ने रिंकू सिंह को रातों रात बना दिया खरबपति। बड़े इनाम का ऐलान करते हुए दिया इतने करोड़ का इनाम, जानकर पूरा देश रह गया हैरान। तो दोस्तों इनाम की रकम जानने के लिए तो बने रहिएगा अंत तक वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप भी रिंकू सिंह को विस्फोटक बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आईपीएल 2023 का सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला अब तक का खेला गया, जहां इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें आमने सामने थी। एक समय पर तो लग रहा था कि गुजरात की टीम इस मैच को अपने नाम कर लेगी, क्योंकि राशिद खान ने इस मैच में हैट्रिक लेकर कोलकाता की टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया था। लेकिन दोस्तों अंत में किसी को क्या ही पता था कि रिंकू सिंह यहां पूरा मैच पलट कर रख देंगे। दरअसल दोस्तों हुआ ये कि जब गुजरात की टीम बल्लेबाजी के लिए पहले उतरी थी तो 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 204 रन बनाए। यहां पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को 205 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि जब कोलकाता की टीम की तरफ से वेंकटेश अय्यर ने 83 रन की पारी खेली तो नीतीश राणा ने 45 रन बनाए, लेकिन दोस्तों ये पारियां भी पर्याप्त नहीं थी। दोनों बल्लेबाज सेट होकर आउट हो चुके थे। अब रिंकू सिंह मात्र एक ऐसे खिलाड़ी बचे हुए थे जहां वो मैच को जिताने के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन दोस्तों रिंकू सिंह को भी बड़े हिट के लिए जाना नहीं जाता, लेकिन उन्होंने आज सबको गलत साबित कर दिया जब राशिद खान ने 3 बड़े विकेट लगातार एक के बाद एक गेंदों पर हासिल कर हैट्रिक चटका दी थी। और दोस्तों रिंकू सिंह अब मैदान पर थे और अंतिम ओवर में जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत थी, और रिंकू सिंह ने लगातार 5 बड़े छक्के लगाकर यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। और दोस्तों इस मुकाबले में जीत के साथ ही अब कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को पॉइंट टेबल में भी काफी बड़ी बढ़त हासिल हुई है और वो दूसरे नंबर पर अब पहुंच चुके हैं, वो भी बस मात्र रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज की बदौलत। अब दोस्तों रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को यह रोमांचक मैच जिताने के बाद लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का तो दिल जीता ही, और साथ में उन्होंने कोलकाता के मालिक शाहरुख खान को भी खुश कर दिया। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान ने खुशी के मारे रिंकू सिंह को तुरंत फोन मिलाया और उन्होंने रिंकू सिंह को बड़ा इनाम का ऐलान करते हुए रातों रात खरबपति बना डाला। जी हां दोस्तों, यहां पर रिंकू सिंह के लिए शाहरुख खान ने कहा कि ऐसा कारनामा तो बस हमारी टीम के खिलाड़ी ही कर सकते हैं। रिंकू सिंह से मुझे पहले से ही काफी उम्मीदें थी। हम रिंकू सिंह को लगातार अगर बैक कर रहे हैं तो बस उनके हुनर की बदौलत। हमने उनको हर साल खिलाने का प्लान बनाया था और आखिर यही वो दिन था जिसके लिए हमने रिंकू सिंह को कभी अपनी टीम से जाने ही नहीं दिया। रिंकू सिंह की अहमियत शायद किसी अन्य टीम को समझ नहीं आई, लेकिन हमें साफ पता था कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा रिंकू सिंह हमारे लिए मैच विनर बनकर उभरेगा। और मेरा मानना यह है कि हमारी टीम में ऐसे फिनिशर खिलाड़ी की बेहद ही जरूरत है। हमारी टीम के बल्लेबाज आंद्रे रसल, सुनील नरेन जब फेल होने लग जाते हैं तो वहां से रिंकू सिंह का बल्ला चलना शुरू हो जाता है। हालांकि मैच शुरुआत में हमारे नाम था, लेकिन जब राशिद ने 3 विकेट लगातार ले लिए थे तब तो मुझे भी लगने लगा कि ये मुकाबला हमारे हाथ से निकल चुका है और मैंने भी मैच देखना बंद कर दिया। लेकिन जब अंतिम ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और 2 छक्के लग चुके थे तो उस बीच मैंने मुकाबले को दोबारा देखा और रिंकू सिंह के छक्के देखने के बाद तो मुझे ये महसूस हुआ कि रिंकू सिंह को अपनी टीम में खिलाना हमारे लिए सबसे अच्छा विकल्प था। तो वहीं दोस्तों आगे शाहरुख खान ने कहा कि रिंकू सिंह ने हमें यह हारा हुआ मैच जिताया है, वो भी अंतिम ओवर में ले जाकर, और रिंकू सिंह को इसके लिए इनाम का ऐलान किया जाता है। जी हां दोस्तों, यहां पर शाहरुख खान ने अपनी तरफ से रिंकू सिंह को करोड़ों का इनाम देकर उनको रातों रात करोड़पति बना डाला है। बाकी दोस्तों यहां पर रिंकू सिंह को दिए गए इनाम की राशि तो साझा नहीं की है शाहरुख खान ने, लेकिन बताया जा रहा है कि ये रकम 10 करोड़ से भी ज्यादा की हो सकती है। बाकी दोस्तों यहां पर रिंकू सिंह की ऐसी 5 छक्के वाली पारी देखने के बाद अब आप सभी की क्या राय, और आप क्या मानते हो कि शाहरुख खान ने जो रिंकू सिंह के लिए किया है वो बिल्कुल सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा।